माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं, माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आरडी डिफेंस क्लासेस। आपका स्वागत है आरडी डिफेंस क्लासेस में। ये मेरी मैथ्स की जो है सेकंड क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की। आशा है आपने फर्स्ट भी जो क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की एंजॉय की होगी। सेकंड क्लास को और दासू तरीके से जो है कराया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो जो कि एग्जाम्स में एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्लास को जो है शेयर कीजिए, चैनल को जो है शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक स्टूडेंट्स तक हमारा ये चैनल पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1 + iota² + iota 4 + iota^6 प्लस डॉट 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 टू एन टाइम्स तक क्या होगा। और सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1 + iota² + iota^4 + iota^6 + iota^2n तक इनका मान क्या होगा। तो इसे जो है n की वैल्यूज रख के कर लो। कैसे करोगे n की वैल्यूज रख के? माना n बराबर 1 रखा, ऑड नंबर रखा। दो तरीके से करेंगे, ऑड नंबर भी रखोगे और इवन नंबर भी रखोगे। तो n बराबर 2 भी रखो, इवन नंबर। ओके, तो n बराबर 1 रखा तो 2 × 2 = 2 यानी 2 टर्म्स तक। और 2 टर्म्स क्या है? 1 + iota² क्या हो गया? 1 - 1, iota² का मान -1, इससे ये कैंसिल कितना हो गया? 0। यहां पे n बराबर 2 रखोगे, 2 × 2 = 4 टर्म्स तक करोगे यहां तक, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी, इससे ये कैंसिल, इसका मान 0, यानी आंसर कितना आ गया? 0। ओके, अच्छा इसे कीजिए, इसके ऑप्शंस दे देता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है आपका -1, थर्ड ऑप्शन जो है 1 और फोर्थ ऑप्शन है none of these। ओके, इसे भी ऐसे ही करेंगे। कैसे? देखो n is equal to फर्स्ट रखा 1 रखा ऑड नंबर, तो क्या iota square तक वैल्यूज को रखना है ओनली। यहां तक रखोगे तो iota square का मान -1, इसका मान ये -+1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया? 0। अब n is equal to 2 रखोगे, क्या रखोगे? 2, तो iota^4 तक रखना है, यहां तक लेके जाना है, यहां तक इसका आंसर, तो इसका मान जो है 0 हो गया, इसका मान 1, तो ये आ गया 1। ओके, ये कितना आ गया? 1। अलग अलग मान आ रहे हैं दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? None of these। ओके, तो इसे रफ कर देता हूं मैं। और ज्यादा देरी ना करते हुए आगे चलता हूं मैं आर्गेन प्लेन पर। कहां? आर्गेन प्लेन।
आर्गेन प्लेन क्या होता है? ओके, ये आपका एक्स होता है और ये आपका वाई होता है। ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, लेकिन यहां पर क्या करना है, एक्स की जगह ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। एक्स की जगह पर रियल नंबर, एक्स की जगह पर रियल नंबर, वाई की जगह पर इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यहां पर प्लस, यहां पर प्लस इमेजिनरी नंबर। यहां पर जो है इमेजिनरी नंबर जो है नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर रियल नंबर जो है नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो आपको बताना है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपको मॉडुलस बताना है। मॉडुलस मैग्नीट्यूड, मापांक बताना है। सेकंड आपको इसका बताना है आर्गुमेंट। तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मॉडुलस यानी लंबाई, लंबाई निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्गुमेंट जो है माइनस पाई से, आर्गुमेंट जो है माइनस पाई से और पाई के बीच में होता है। ओके, दोबारा लिख देता हूं, माइनस पाई से आर्गुमेंट जो है पाई के बीच में होता है, माइनस 180 से 180 के बीच। तो फर्स्ट जो है आर्गुमेंट जो होता है ये होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉडुलस बी अपॉन ए। ओके, तो फर्स्ट में होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए मॉडुलस में। ओके, यानी रियल नंबर भी प्लस होगा, इमेजिन नंबर भी प्लस, वहां पर आर्गुमेंट क्या होगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। जैसे क्वेश्चन है आपका वन प्लस आयोटा, इसका आपको मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है और आर्गुमेंट ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे? तो आपका मॉडुलस मापांक तो हो गया, यानी जेड इज इक्वल टू दे रखा है, तो मॉडुलस तो हो गया आपका अंडर रूट टू, यानी वन का स्क्वेयर यानी अंडर रूट टू। ओके, आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट यानी रियल नंबर भी प्लस है, इमेजिन नंबर भी प्लस है, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी का मान, यानी बी वन है, आयोटा का जो गुणांक है मल्टीप्लीकेटिव जो गुणांक है मल्टीप्लाई वो क्या है, वन, तो वन अपॉन वन, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, टेन से टेन कंपेयर हो गया, क्या आ गया आंसर, पाई बाई फोर। ओके, अब सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड में क्या होगा, रियल नंबर जो है नेगेटिव होगा, रियल नंबर नेगेटिव होगा और इमेजिनरी नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ओके, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। क्या बोला इसमें, रियल नंबर नेगेटिव, इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव। तो कैसे, देखो क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है आपका रियल नंबर नेगेटिव, इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव,
ये क्वेश्चन है आपको मॉडुलस ज्ञात करना है। मॉडुलस हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 1 4 2 आपका मॉडुलस हो गया। ओके आपको निकालना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू रियल नंबर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या पाई माइनस टेन इनवर्स वी अपॉन ए, पाई माइनस टेन इनवर्स बी का मान रूट थ्री अपॉन वन। ओके तो पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और टेन में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो थ्री पाई टू पाई बाई थ्री आंसर। अंडरस्टैंड? तो आगे चलते हैं, आगे आते हैं यहां पर। तो यहां क्या होता है तीसरे चतुर्थांश में रियल नंबर जो है नेगेटिव और इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव, तो यहां होता है आपका थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यानी रियल नंबर भी नेगेटिव हो इमेजिनरी नंबर भी नेगेटिव हो तो आपका आर्गुमेंट कोणांक माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ओके जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है आपका रूट थ्री माइनस आयोटा, रियल नंबर भी नेगेटिव है इमेजिनरी नंबर भी नेगेटिव है तो क्या आएगा मॉडुलस तो निकाल लोगे। आर्गुमेंट क्या होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए यानी वन अपॉन रूट थ्री, तो टेन में वन अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू पाई बाई सिक्स यानी 30 डिग्री की ही तो होती है, तो रेडियन में बदलोगे पाई बाई सिक्स टेन से टेन कंपेयर तो माइनस पाई प्लस पाई बाई सिक्स सिक्स, तो ये हो गया आपका सिक्स पाई फाइव पाई बाई माइनस फाइव पाई बाई सिक्स। ओके अब आते हैं चौथे चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में क्या होता है रियल नंबर जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, रियल नंबर क्या होगा पॉजिटिव, इमेजिनरी नंबर जो है नेगेटिव होगा, रियल नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर नेगेटिव, तो आपका जो थीटा है वो होगा माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ओके माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, रियल नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर नेगेटिव। देखो क्वेश्चन देखो इससे रियल नंबर तो आपका पॉजिटिव है लेकिन इमेजिनरी नंबर नेगेटिव, इसका आपको आर्गुमेंट याद करना है। आर्गुमेंट कोणांक कैसे याद करोगे थीटा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो क्या हो गया टेन पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, टेन से टेन कंपेयर माइनस पाई बाई फोर आंसर। ओके तो ये आपका कंप्लीट हो गया आर्गुमेंट प्लेन। आगे जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो।
क्वेश्चन लिखो अब आप एक -1 - iota इसका आपको आर्गुमेंट याद करना है, जेड इक्वल टू ये है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? देखो माइनस का रियल नंबर है, माइनस का इमेजिनरी नंबर है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है? -π (tan−1) b/a (1/1) - π (tan−1) (tan π/4) टेन से टेन कंपेयर, -π (π/4) तो 4π (-3π/4) आपका आंसर। ओके आगे क्वेश्चन लिखिए। आपको जो है आर्गुमेंट याद करना है, क्वेश्चन है आर्गुमेंट याद करना है -3 का। ओके जेड इज इक्वल टू -3 इसका आपको आर्गुमेंट याद करना है। आर्गुमेंट क्या है? एक क्वेश्चन है आपका जेड इज इक्वल टू 1 + 2 iota / 1 - 1 - iota² इसका आपको आर्गुमेंट याद करना है और मॉडुलस भी याद करना है। ओके तो पहले सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1 - iota का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 iota - -2 iota (+2 iota) हो गया, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। 1 तो यहाँ पे आपको 1 का जो है आर्गुमेंट ज्ञात करना है और ज्ञात करना है मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या हो गया? 1। लेकिन आर्गुमेंट ज्ञात करना है अभी, तो देखिए आर्गुमेंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर लिखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे लिखो आर्गुमेंट, ठीक है? डायरेक्ट आर्गुमेंट याद रखना है हमें। यदि कोई प्लस का रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर, तो इसका आर्गुमेंट आपका 0 होगा। क्या होगा? 0। प्लस का रियल नंबर है तो इसका आर्गुमेंट 0। यदि नेगेटिव रियल नंबर है तो इसका आर्गुमेंट -π होगा या फिर π होगा। ओके या तो -π होगा या π होगा, लेकिन यदि प्लस का कोई इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है प्लस की, तो उसका आर्गुमेंट होगा π/2। यदि नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो इसका आर्गुमेंट होगा -π/2। ओके तो यहां पर प्लस का जो है रियल नंबर है, प्लस का रियल नंबर है तो इसका आर्गुमेंट 0, ये मॉडुलस हो गया इसका। और यहां पर आपको क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन आर्गुमेंट याद करना है -3 का, यानी नेगेटिव रियल नंबर है या तो -π या π, ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूं,
इस क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।